जाति में जाति, कोटा में कोटा, जाति में उपजाति, मुस्लिम में पसमांदा, दलित में महादलित, पिछड़ा में अति पिछड़ा करने वाले हैं, तो इनको जाति की राजनीति करनी है, हम लोगों को देश की राजनीति करनी है। ये लोग वोट बैंक के लिए चाहते कि पाकिस्तान का तमाम मुसलमान यहाँ के बच जाए, हमको वोट दे दे। मुसलमान भी अब समझने लगा है, अब चिंता मत कीजिए चाचा जी और भतीजा जी, मुसलमान भी बात को समझने लगा है, आने वाला समय में आपको जवाब देगा। चाचा तो समाधि यात्रा पर निकल गए हैं, समाधि यात्रा पर निकल। और भतीजा तो अभी ख्वाब देख। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए बिहार में जातीय आधारित जनगणना जो है वो शुरू हो गई है, और अब देखिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जातीय जनगणना से क्या फायदा होने वाला। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि सर्वदलीय बैठक करके तमाम जानकारी दे, तो दूसरी तरफ जदयू कह रही है अगर इतना ही दिक्कत है तो पूरे देश में क्यों नहीं जातीय जनगणना करा रहे। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री रामसूरत राय हैं। सर, सवाल यही उठ रहा है कि जातीय जनगणना तो हो रही है, आप लोग कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक हो, एक तरफ आप लोगों ने विरोध किया था पहले कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में नहीं हो सकता है, लेकिन अब कह रहे हैं सर्वदलीय बैठक क्यों। बहुत बारीकी से मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, होशियारी चालाकी फ्रॉडगिरी जिसको कह सकते हैं, और वाकई में सबों का समर्थन प्राप्त करके अपने मन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। मेरा कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो जाति जनगणना करा रहे हैं, जाति में जाति, कोटा में कोटा, जाति में उपजाति, मुस्लिम में पसमांदा, दलित में महादलित, पिछड़ा में अति पिछड़ा करने वाले हैं, तो इनको जाति की राजनीति करनी है, हम लोगों को देश की राजनीति करनी है। जातीय उन्माद नहीं फैलाना है, सामाजिक वातावरण सौहार्द बना रहे और सभी समाज के लोग बिहार हो या देश के अंदर कायम रहें, और हम लोग उसका विरोध करते हैं जो इस देश का नहीं है, जो बिहार का नहीं है, जो जिला का नहीं है, जो गांव का नहीं है, जो पंचायत का नहीं है, चाहे रोहंगनिया हो, चाहे भूटान का हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, वैसे तमाम लोग जो आते हैं बॉर्डर इलाके में, जो विस्थापित होकर के स्थापित हो रहे हैं, वैसे लोगों का हम लोग विरोध करते हैं और विरोध किए हैं, आगे भी करेंगे। और वह साजिश के तहत मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने सीमांचल इलाकों में काफ़ी दौरा किया था मंत्रिमंडल लड़ते हुए, मैंने सवाल भी उठाया था जब, और हमने बताया भी था लोगों को, और सरकार के द्वारा रिकॉर्ड भी आया था कि लोग आकर के बस गए हैं। तो वैसे फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों पर भी नकेल कसाना चाहिए, चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए, और एक कॉलम बनना चाहिए कि रोहंगनिया जैसे लोग आके बस गए हैं, भूटान बांग्लादेशी लोग पाकिस्तानी लोग बस गए हैं, चिन्हित करके कार्रवाई भी हो, और कॉलम बनने के इतने लोग आके बस गए हैं उसका नाम इसमें जुटे नहीं, फर्जीवाड़ा सर्टिफिकेट नहीं बने, वोटर लिस्ट नहीं बने, जो कि एक समुदाय को बढ़ावा कभी भी भविष्य में नहीं मिलना चाहिए। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूँ, यही मेरा कहना है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है ना क्योंकि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान का, और काफ़ी बातों को लेकर कर रहे हैं कि अगर बॉर्डर इलाके के लोग जो हैं जो बाहर से चले आते हैं, अब यही सवाल पे तेजस्वी यादव भी तो यही बात कह रहे हैं कि आप लोग गरीब विरोधी, आप नहीं चाहते हैं जाति आधारित जनगणना हो। मेरा गरीब बिहारी ना होगा कि पाकिस्तानी होगा, मेरा गरीब हिंदुस्तानी होगा, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, कि पाकिस्तानी को भी हम साकार लेंगे। हम पूछते हैं हमारा गरीब बिहारी ना हो सकता है कि पाकिस्तानी होगा। पाकिस्तानी बहुत गरीब है, खाने बिना मर रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं मिल रहा है, हम जाके उसको खिला देंगे? कर्जा दे सकते, खिला नहीं सकते, पोस नहीं सकते, अपने बसा नहीं सकते। हमारा कोई है तो हमारा है, हमारे परिवार का हो या हमारे समाज का हो या हमारे जमात का हो या मेरे बिहार का हो या मेरे जिले का हो या मेरे हिंदुस्तान का हो, वो मेरा है, उसकी चिंता करते हैं। ये लोग आपके उनके भाषा से आपने जो प्रश्न किया है, आपके चाल और चरित्र का पता चलता है। ये लोग वोट बैंक के लिए चाहते कि पाकिस्तान का तमाम मुसलमान यहाँ के बच जाए, हमको वोट दे दे। मुसलमान भी अब समझने लगा है, अब चिंता मत कीजिए चाचा जी और भतीजा जी, मुसलमान भी बात को समझने लगा है, आने वाला समय में आपको जवाब देगा। चाचा भतीजा हैं समाधान यात्रा पर, आज भी गए हुए हैं छपरा। चाचा तो समाधि यात्रा पर निकल गए हैं, समाधि यात्रा पर निकल। और भतीजा? भतीजा तो अभी ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, जगदानंद सिंह, आखिरी सवाल है, जगदानंद सिंह साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले भी लालू यादव दूसरे को प्रधानमंत्री बना चुके हैं, नीतीश कुमार को ही बनाएंगे, तिलक लगा चुके हैं लालू यादव। देखिए, सभी माननीय राष्ट्रीय दल के नेतागण जो बोल रहे हैं कि उनको झटका लग गया है, 23 का सपना था, 23 का सपना अधूरा हो गया, 25 के सपना पर टिके हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी चौका छक्का मारने में लगे हुए हैं कि 23 में वोट हमको ट्रांसफर नहीं किया, 22 में कुरहन्नी के चुनाव में, तो यादव और मुसलमान बना रहे, टिका रहे, और 25 के चुनाव में तो दूर है, 24 के चुनाव में कम से कम जरा 17 वो 16 वो जो मेरा 16 वो जो सांसद है वो कम से कम उतना मेंटेन हो जाए कि दिल्ली में हम बैठने योग्य हो जाए। लेकिन बिहार की जनता
इनको यहाँ से बिल्कुल अपंग बना के भेजेगी कि दिल्ली के एक भी सभा में बैठने योग्य 24 में खाता नहीं खुलेगा, 24 में 25 में दोनों में नहीं। चलिए साफ कह रहे हैं रामसूरत राय कि 24 और 25 दोनों में खाता नहीं खुलेगा, और जिस तरीके से यात्रा पर निकले हुए बिहार के मुख्यमंत्री, वो समाधान नहीं, वो अपने यात्रा को खत्म कर रहे हैं। और जिस तरीके की बिहार की बात हो रही है, तेजस्वी यादव गरीबों को लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के मुसलमानों को बिहार में जगह देंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। और जाति आधारित जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर करें। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।